to solve the problem of history. This is chapter 2, socialism in Europe and Russian Revolution. We are talking about industrial society, industrial society, clear? So we had seen that India's industrial society has become very miserable because of less facility available. Again, वहाँ पे जो facilities थी, there were very less facilities. Railway was expanded, ठीक है? इंडस्ट्रियल रीजन वॉज बेटर, है ना? तो वहाँ पे क्या था कि वर्किंग आवर्स ऑफ़न लॉन्ग एंड वेजेस वर स्मॉल. प्रॉब्लम क्या थी कि वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस, उनका वेजेस क्या था, वेजेस वर लेस, ठीक है. जो भी फैक्ट्री में काम करते थे उनका वर्किंग आवर्स 18 आवर्स तक वर्क करना पड़ता, ठीक है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे गॉट वेरी लेस वेजेस, है कि नहीं? तो इससे क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड डिमांड, है कि नहीं, इंडस्ट्रियल प्लेस की डिमांड करने लगे, राइट. हाउसिंग एंड सैनिटेशन, देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग and sanitation, ठीक है, housing and sanitation problem was developed there, clear? So it created a problem here, right? So we have got its solution. How liberals and radicals search for solutions to these issues, right? तो इनमें क्या था, हाँ, liberals and radicals, I had already told, they were property owners and they were also rich people, rich businessmen, they were employer, and they had, you know, tried to solve their problem. They started making, you know, special arrangements for their workers, okay, and they tried to give good wages, right? So all these things that was given to them and बेनिफिट्स, उन्होंने कहा कि वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्पिंग, और अगर हमारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, इफ दे आर वेल एजुकेटेड, ठीक है, तो रेडिकल्स एंड लिबरल्स थॉट, रेडिकल्स एंड लिबरल्स ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की. हाउ दे ट्राई टू सॉल्व means they try to solve these problems by, you know, giving them health facility. They try to give health facility. Give health facility. ठीक है, है ना? Better working conditions. Right? They try to give them better working condition. ठीक है, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन. ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है, हेल्थ एंड हाइजीन मीन्स हेल्थ से रिलेटेड जो भी कैपिटल मैटर्स थे, दे वर सॉल्व बाय रेडिकल्स एंड लिबरल्स. ओके, so all these people, they thought that if freedom of individual is ensured, then poor will also work, okay, nahi? If we give them freedom of everything, okay, so poor bhi hamare work kar sakte, okay, nahi? If we give them right to work, okay, unhein kaam karne ka agar adhikar de, to hamare poor bhi work karenge, hai na? If we give them, you know, better working condition, less working hours, okay, nahi? Good wages, then everybody can work. Again, so all these things, they are, you know, these
दीज एफर्ट्स वर मेड बाय लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है, इन्होंने बहुत तरह की पार्टीज बनाई, रैली करना शुरू किया, एंड सम नेशनलिस्ट लीडर्स एंड रेडिकल्स वांट द रिलेशनशिप टू एन एंड टू द काइंड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप, जैसे आपका फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया, दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, और ये मोनार्की रूल को वहाँ से ओवरथ्रो करना चाहते थे। इन फ्रांस, जर्मनी, रसिया, रेवोल्यूशनरी पीपल्स दे वर डेवलप, ठीक है, दे वांटेड टू अपरूट मोनार्की, एग्री, तो उनको जो है रेडिकल्स एंड लिबरल्स सपोर्ट करते थे, राइट, और उनके अपोजिट में कौन थे, कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स हमेशा मोनार्की रूल को फेवर करते थे, ठीक है, लेकिन रेडिकल्स एंड जो लिबरल्स थे दे वर लार्ज इन नंबर इन कंपेरिजन टू कंजर्वेटिव, इसीलिए हमारे वहाँ पे दे बिकेम सक्सेसफुल टू ओवर थ्रू मोनार्की, ठीक है, मोनार्की रूल समझते हो सब लोग, क्यों स्टूडेंट, व्हाट इज मोनार्की रूल, मोनार्की रूल क्या होता है, मोनार्की रूल मीन्स वेयर देयर इज अ किंग, ही रूल्स ऑल ओवर अ कंट्री, दैट इज मोनार्की रूल, दे आर डायनेस्टिक रूलर्स, ऑल मोनार्की रूल्स बट डायनेस्टिक इन नेचर, अंडरस्टैंड, एंड इट क्रिएटेड अ, यू कैन से अ डायनेस्टिक रूल सिस्टम, ठीक है, सो देयर वॉज ओनली ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स वर देयर, है ना, एंड देयर वॉज नो इनोवेशन, कोई इनोवेटिव वर्क नहीं होता था, पूरे वही ओल्ड कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस वर प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड, सो दिस क्रिएटेड अ, यू नो, इट लेट दैट, यू नो, यूरोपियन कंट्रीज कुड नॉट डेवलप, ठीक है, दिस वॉज द रीजन। इसी में इन 1815 गुसिप मज़नी, ठीक है, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी लीडर, है ना, तो गुसिप मज़नी बीइंग अ रेवोल्यूशनरी लीडर, what he did, he started revolution, ठीक है, in 1815 Gusip, GUISIPP, Gusip Mazni, ठीक है, he was revolutionary leader, a revolutionary leader, कहाँ का था ये, leader ऑफ इटली, ही बिलोंग टू इटली, ठीक है, एंड ही वॉन्टेड टू यूनिफाई इटली, बिकॉज इटली वॉज डिवाइडेड इन टू वेरियस सेगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स, ठीक है, एंड ही डिड अ एफर्ट टू यूनाइटेड इटली, ठीक है, दैट्स वाई ही मेड अ सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, यंग इटली, अंडरस्टैंड, एंड इन दिस मैनर इज ही बिकेम अ नेशनलिस्ट, यू नो, and he started to conspire with others to achieve nationalism in Italy. Italy में उसने conspiracy की. What is the meaning of conspiracy? Anybody can tell? Conspiracy. Conspiring. ठीक है, to plot, षड्यंत्र रचा, ठीक है, और उसने वहाँ के पूरे इटली स्टेट्स को यूनिफाई कर दिया, ठीक है, और वहाँ से मोनार्की रूल अप्रूव हो गया, क्लियर, तो ये इटली की बात है, क्लियर, अब हम बात करते हैं द ग्रोइंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे ग्रो हुआ, इससे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज सोशलिज्म, है कि नहीं, फर्स्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड सोशलिज्म, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ ग्रोइंग ऑफ सोशलिज्म, growing of socialism in Europe, right, Europe में socialism कैसे grow हुआ, है ना, this was a major question, तो socialism means क्या होता है, a type of society, a type of government where all properties are handled by that government, whether it is democratic or it is military, ठीक है, उस सारी प्रॉपर्टी को कौन हैंडल करेगा, उस कंट्री की गवर्नमेंट, nobody will have public property, किसी के पास भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है,
ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर हैंडल्ड बाई गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे आपका रसिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे सोशलिज्म है। क्यों? बिकॉज दे आर हियर ऑल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रसिया। वहाँ कोई एक आदमी कह दे कि वो मेरा खेत है, वो मेरा घर है, ठीक है, या कोई ये नहीं कह सकता है कि वो मेरा स्कूल है या वो मेरा वो है, ठीक है, या वो मेरे पापा ने स्कूल खुलवा रखा है, ठीक है, नोबडी कैन से देयर। वहाँ सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ सारे क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज आर रन बाय गवर्नमेंट, ऑल शॉप्स आर रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ऑल इम्प्लॉयज आर फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, नाउ गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स कॉस्ट। जैसे जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें सारा पैसा किसका लगेगा, गवर्नमेंट का लगेगा। अब किसी कॉमन आदमी का वहाँ पैसा नहीं लग रहा है, वहाँ सब बराबर है, एक स्वीपर, एक चपरासी, एक क्लर्क, एक ऑफिसर, ठीक है, एक गजटेड ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर, एक SP, DM, एक चीफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी इज इक्वल देयर, ठीक है। खाली उनको जुडिशियल पावर है बस, बाकी फाइनेंशियल पावर में सब इक्वल है। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक्स प्लेस। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है रसिया का, ठीक है, वहाँ पे ये नहीं होता है कि जो है कोई बच्चा, किसी के पापा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नाम लिखा देंगे, किसी के पापा अपने बच्चे का एके पब्लिक में नाम लिखा देंगे, किसी के पापा अपने बच्चे को जो है लखनऊ में नाम लिखा देंगे, किसी के पापा दून में नाम लिखा देंगे, किसी के पापा ऑस्ट्रेलिया में नाम लिखा देंगे, है कि नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, लेकिन वहाँ पे ऑल स्कूल्स आर ऑफ सेम कैटेगरी, वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, और बच्चा कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्कूल में जहाँ जाएगा वहीं उसकी पढ़ाई हो जाएगी, वहीं उसका अटेंडेंस लग जाएगा। और सारा हमारा जो है क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सारे क्लोज सर्किट जो है क्या कहते हैं उससे जुड़े हुए हैं। पूरी कंट्री का अटेंडेंस एक साथ बच्चों का होता है, वहाँ सारे बच्चों का जो बुक्स है एक ही बुक्स चलता है। यहाँ नहीं कि पता लगा एके पब्लिक में ये वाला पब्लिकेशन है तो पता लगा सेंट जेवियर में वो वाला पब्लिकेशन है तो पता लगा कौन से स्कूल में वो वाला पब्लिकेशन है, यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड की किताब चलती है। तो सोशलिज्म में क्या है कि वहाँ एक ही पब्लिकेशन होता है, सारे बच्चों को एक ही जैसा पढ़ना है। और वहाँ क्लासेस कैसे डिवाइडेड होते हैं, दोज हु आर मेरिटियस स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडी, ठीक है, दोज स्टूडेंट्स उनकी क्लास अलग होती है, ठीक है, दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक उनकी क्लास अलग होती है, जो बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्टेड है उनकी क्लास अलग है, जो डांस में इंटरेस्टेड है उनकी क्लास अलग है, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उनकी क्लास अलग है, उसमें भी जो आउटडोर है गेम्स में इंटरेस्टेड है उनकी अलग है, जो इनडोर गेम्स में इंटरेस्टेड है उनकी क्लास अलग होती है, ठीक है, उसी हिसाब से उनका क्यूरिकुलम बना होता है, राइट। तो जो हमारे मेरिटियस बच्चे हैं उनमें से डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स निकलते हैं, ठीक, जो हमारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उसमें से स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं, जो हमारे म्यूजिक क्लासेस वाले उसमें से म्यूजिशियन निकलते हैं, डांसर्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये है सोशलिज्म, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जैसे हमारे यहाँ किसान जो है इंतज़ार करता रहता है कब खाद मिलेगा, हम खेतों में खाद डालेंगे, ठीक है, कब जो है हमारा पंपिंग सेट खरीद के नया लगेगा तब हम अपने खेत की सिंचाई करेंगे, कब हमारा ट्रैक्टर खरीद के आएगा तब हम अपने ट्रैक्टर से खेती करेंगे, नहीं तो किसी से जाके मांग करके ट्रैक्टर ला के जुटवाएंगे, है ना, ये करेंगे, ये हमारे यहाँ होता है। वहाँ क्या है, वहाँ का एक ही एक डिपार्टमेंट है जो एक बार में पूरे रसिया के सारे फील्ड को कल्टीवेट करता है, हर जगह उसके डिपार्टमेंट्स बने हैं। जैसे अम्बेडकर नगर का डिपार्टमेंट है तो अकबरपुर के सारे खेतों का कल्टीवेशन वो कर देंगे, उसकी लेवलिंग कर देंगे, सीड सो कर देंगे, ठीक। उसके बाद सिंचाई के लिए भी उनका अपना सब कुछ है, वो अपना पानी डाल देंगे। इंसेक्टिस पेस्टिसाइड्स के लिए उनका स्पेशल एयर स्पेस होता है, एरोड्रोम होता है, वो उनके जो है प्लेन होते हैं वो डायरेक्ट एक साथ स्प्रे करते हैं, ठीक है, प्लेन से, एरोप्लेन से, बड़ी प्लेन होती है उनकी, उसी से एक साथ जो है क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स सब डालते हैं, ठीक।
और जो बच्चे एबसेंट माइंडेड होते हैं, थोड़ा दिमाग से कमज़ोर होते हैं, वो सब लेबर्स हो जाते हैं, उनको इस डिपार्टमेंट को भर लिया जाता है। ठीक है, खेती बाड़ी वाले डिपार्टमेंट, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको डॉक्टर्स वाले डिपार्टमेंट में, जो म्यूजिशियन है उनको म्यूजिशियन डिपार्टमेंट्स में, जो स्वीपर्स हैं उनको स्वीपर वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं आपके क्लर्क है, चपरासी है, उनका अपना डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अब वहाँ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, सबको एक एक कार्ड मिला हुआ है, एटीएम डेबिट कार्ड, चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं, सबके पास एक कार्ड मिला है। किसी भी शॉप में गए, वहाँ कार्ड डाले, एंट्री हो जाओ, क्या क्या कमोडिटी लेना है तुरंत ले करके चले आओ अपने घर। ठीक है, अभी अकबरपुर से कोई चला जाए तो क्या करेगा, पता लगा कि एक एक पैकेट लेना है तो 10-10 पैकेट और ले लेगा एक्स्ट्रा, कहेगा ये मेरे आगे काम देगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, रसिया में कोई ग्रीडी नहीं है, क्योंकि जब चाहे तब कार्ड लगाओ, सामान लेके आओ, पैसा वैसा नहीं देना। ठीक है, वहाँ पैसा वैसा नहीं देना पड़ता किसी वहाँ की कंट्रीज़ के लिए, जो बाहर से आते हैं उनका उनके लिए अलग है, जैसे इंडिया से जो वहाँ जा रहे हैं उनके लिए सिस्टम है। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों को ये सब प्रॉब्लम है। तो वहाँ का जो स्वीपर है वो भी फर्स्ट क्लास मर्सिडीज़ कार से चलता है। ठीक है, उसको जब झाड़ू लगाना होता है तो अपनी डिग्गी में ऐसा झाड़ू और डस्टबिन रखे रहता है, यहाँ कूड़ा देखा, गाड़ी रोका, फटाफट जो है क्या कहते हैं उसने अपना चेंज किया, एप्रन पहना, फटाफट उसको डाला, उसके बाद फिर से अपना जो है कोट पैंट पहन लिया, उसके बाद जो है डिग्गी में ले जा करके आउटस्कर्ट एरिया में ले जा कर डिस्पोज करके घर चला, उसकी ड्यूटी खत्म। ठीक है, हमारे यहाँ तो कुछ और ही सिस्टम है। तो ये था सोशलिज्म, ये सोशलिज्म है, इसीलिए रसिया बहुत आगे है। ठीक है, बिकॉज देयर इज सोशलिज्म। ठीक है, बस खाली वहाँ पे यही है कि हमारे इंडिया में जो है क्या कहते हैं क्लास सिस्टम है। ठीक है, ये हाई क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये पुअर क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, तो ये हमारा जूता साफ करेगा, ये हमारे लिए दूध लाएगा, ये हमारा कपड़ा धुलेगा, ये हमारा वो करेगा, वहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, इन दोज कंट्रीज उनका अलग अलग डिपार्टमेंट ही है, कपड़ा धुलने वाला एक अलग ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, वो भी आपके सारे कपड़े ले जाएगा, धुल के दे जाएगा। ठीक है, वो भी आप ही के स्टेटस के रैंक का होगा, उसको आप ये नहीं कह सकते ए दूध वाले इधर आओ, ऐसे नहीं कह सकते हैं, या उसको ये डांट नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसको भी सेम गवर्नमेंट स्टेटस मिला हुआ है। अब रसिया गवर्नमेंट क्योंकि अपना पैसा खुद लगा रही है, तो इंडिया में अगर उसको फूड ग्रेन सप्लाई करना है तो चाहे जिस रेट से सप्लाई करे उसका क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या? वो चाहे 10 रुपये किलो में वहाँ से चीनी सप्लाई करे, चाहे 20 रुपये किलो में सप्लाई करे, चाहे 50 रुपये किलो में सप्लाई करे, उसकी जेब से क्या जा रहा है? कॉमन पीपल की जेब से कुछ जा रहा है? नहीं। लेकिन इंडियन मर्चेंट, हमारे इंडिया का मर्चेंट जो है, अगर वो फूड ग्रेन इसमें प्रोड्यूस किया है तो 1800 रुपये क्विंटल में ही व्हीट सप्लाई करेगा, क्योंकि कहेगा इससे नीचे हमारा पड़ता नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि दे हैड यू नो और मीन्स यूज देयर ओन इनकम, उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, अपनी पूंजी लगाई, तब प्रोड्यूस किया। वहाँ तो पूरा गवर्नमेंट पूंजी लगा रही है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे जितना नोट छाप ले, ठीक है, चाहे जितने अपने रिसोर्सेज को एडजस्ट कर ले। तो इसीलिए क्या होता है, चाइना के सामान क्यों सस्ते मिलते हैं, है ना, वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट सारा प्रोडक्शन कराती है, चाहे जिस रेट में प्रोडक्शन कराए, चाहे जिस रेट में सप्लाई कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग अपना 1-1 लाख 5-5 लाख लगा करके, है कि नहीं, महक के पापा जो है 10 लाख रुपए लगा के दुकान किए हैं, तो कैसे इतना सस्ते में दे देंगे कोई चीज़, है कि नहीं, किसी के भी, राइट। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ सारा गवर्नमेंट के अंडर में, चाहे जिस रेट पे दे ही, अपने एरिया में तो सब फ्री में मिलता, वहाँ कार्ड लगाए 5 मीटर कपड़ा ले लिए, टेलर के पास गए उसने सिल दिया। ठीक है, टेलर को भी जो चीज़ चाहिए उसको भी सब चीज़ मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो वहाँ पे सब लोगों को अपना अपना काम डिवाइड है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ठीक, ये था सोशलिज्म, यही रसिया चाहता था। ठीक है, तो ये सोशलिज्म जो है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो है पर्सनल ईगो। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि लोगों में ईगो की फीलिंग होने लगी। ठीक है, कि एक स्वीपर को किसी ने अगर थोड़ा सा टॉन्ट कर दिया
तो उसको ईगो हो गया कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया। इस वजह से जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जो कंजर्वेटिव्स थे दे बिकेम वेरी स्ट्रॉन्गर, उन्होंने जो पुराने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। हमारी कंट्री का भी जो ट्रेडिशन है आज यहाँ पर भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्गर है अपने ट्रेडिशन के प्रति, है कि नहीं। हमारे यहाँ आज भी जो क्लास सिस्टम है, कास्टिज्म है, ठीक है, और बहुत सारे सोशल मैटर्स है, वो अभी भी हमारे ट्रेडिशनल ही है। उसको हम लोग एक लोग नहीं बदल सकते, है कि नहीं, और कोई चाहता भी नहीं कि ये बदला जाए, इसलिए सब चल रहा है बिकॉज वी आर कंजर्वेटिव, है कि नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी ये सारी चीज़ें बदले, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा हुआ और आज वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि नहीं। तो ये ड्रॉबैक्स, ये आप आने वाली जनरेशन इस पर अगर विचार करें तो इस पर कुछ कर सकती है कि नहीं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय कॉमन पीपल टू चेंज दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो था हमारा सोशलिज्म रशिया में हुआ, और इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी खूब हो गई थी। किसी के पास 5 बीघा खेत, किसी के पास 20 बीघा खेत, किसी के पास 10-10 दुकानें, किसी के पास जो है 500-500 जो है कैटल्स, किसी के पास इतनी सारी चीज़ें, किसी के पास कुछ, सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो गई थी। किसी का 4-4 मकान है सिटी में, ठीक। तो सोशलिस्ट लोग क्या कहते थे कि देयर शुड नॉट बी एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी शुड बी कॉमन टू एवरीवन, हर किसी को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बट द प्रॉपर्टी वाज कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन। जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है वो बस खाली अपना फ़ायदा सोचते हैं, है कि नहीं, वो दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचते हैं। ये हर जगह का नेचर है। तो रसिया में भी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, दे टोल्ड दैट देयर शुड बी कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जो है दे हैव टू कम इन कोऑपरेशन, दे हैव टू डू एवरी वर्क विद कोऑपरेशन, एक दूसरे के सहयोग से काम, ठीक है, सो दैट वर्क्स बिकम इजीली। और यही चीज़ बाद में कलेक्टिव वाइटाइजेशन बना, जिसे स्टालिन ने लागू किया था लास्ट में जब रसिया आपका आज़ाद हो गया था, ठीक है। बट बिफोर दैट ये कोऑपरेटिव्स में क्या होता था कि इसमें सारे लोग अपनी पूंजी लगाएं, ठीक है, और एक पार्टिकुलर कलेक्टिव वे में दे शुड डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। चाहे अगर कोई मिल का काम करता है, डेयरी फार्मिंग का, उसमें भी बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाएं, ठीक है, एंड दे शुड प्रोड्यूस मिल्क एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। मीन्स प्रॉपर्टीज में इन्होंने कहा कि देयर नाउ देयर विल बी शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी शेयर होगी, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। इन अर्लियर व्हाट हैपेंड, देयर वर फैक्ट्री ओनर, ठीक है, एक तरफ फैक्ट्री ओनर होता था, राइट, और एक तरफ वर्कर होता था, ठीक है। तो जो हमारा फैक्ट्री ओनर है ही हैड एम्प्लॉयड मोर देन 1000 वर्कर्स, है कि नहीं। तो वर्कर्स जो प्रॉफिट कमाते थे उसका लार्जेस्ट शेयर बेंट इन द हैंड ऑफ फैक्ट्री ओनर, उसका जो बड़ा शेयर होता था। पता लगा एक लेबर ने क्या किया, ही वूवन 100 मीटर क्लॉथ, उसने 100 मीटर कपड़ा बनाया एक दिन में, ठीक है, और 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट है हमारा 100 रुपये मीटर के हिसाब से वो कपड़ा फैक्ट्री में बना है। तो 100 मीटर कितने का हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 100 × 100, ये कितना हो जाएगा, 10,000, यानी 1,000 में एक दिन में एक लेबर ने 10,000 रुपये का कपड़ा बनाया, ठीक है। और जब ये मार्केट में सोल्ड हुआ, मान लीजिए 120 रुपीज़ के रेट से मार्केट में सोल्ड हुआ ये कपड़ा, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, तो हर मीटर पे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। यानी कि इस एक वर्कर ने 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, है कि नहीं, एक वर्कर ने एक दिन में 2000 रुपये का प्रॉफिट दिया, ठीक। और उस वर्कर को वेजेस के रूप में एक दिन का उसे मान लेते हैं 100 रुपीज़ मिला। वर्कर का वेज क्या है, 100 रुपीज़। तो ये जो 2000 में से 100 गए तो कितना बचा, 1900। ये प्रॉफिट किसको मिला,
फैक्ट्री ओनर है कि नहीं। तो अब इसका जो लार्जेस्ट प्रॉफिट इट वेंट इन द हैंड ऑफ फैक्ट्री ओनर, और इसको क्या मिला बेचारे को, 100 रुपये का नोट है कि नहीं, केवल 100 रुपये एक दिन का, 3000 मंथली, इजंट इट। सो इट क्रिएटेड अ यूनिक सिचुएशन है कि नहीं। अब लोगों ने सोचा, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स उन्होंने इसी पॉइंट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वाई दीज लैंड ओनर्स एंड पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स दे एक्सप्लॉइट दीज पीपल, ये वर्कर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं जबकि उनका लार्जेस्ट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का लार्जेस्ट पार्ट भी ये ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है क्या कहते हैं, आपके कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने आइडिया दिया कि हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, दैट शुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी इन विच प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, ठीक है, हर आदमी के स्किल के अकॉर्डिंग में प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड। मीन्स वर्कर्स एंड जो फैक्ट्री ओनर्स शुड नॉट गेट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो इस बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, हमारे जितने भी फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, उन्होंने एक स्ट्राइक, मीन्स दे वर रिवोल्टेड, दे हैड मेड अ रिवोल्ट, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, मीन्स दीज लैंड यू नो फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स दे हैड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली दे हैड टू फ्ली फ्रॉम हियर, दे हैड टू लीव दैट वर्क एंड सोशलिज्म केम इन रशिया, अंडरस्टैंड। एंड नाउ देयर वॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट यू नो इलेक्टेड, फाइनली यू नो देयर वॉज मेजर चेंजेस इन सोशल यू नो सोसाइटी ऑफ रशिया। ओके चिल्ड्रन, ओके देन, टुमारो वी विल डू